भगवान कृष्ण के सखा उद्धव ब्रह्मवेत्ता और महाज्ञानी थे, लेकिन लीलाधर की कुछ लीलाओं का रहस्य वे आज तक नहीं समझ पाए थे। जब केशव का भूलोक पर कार्य लगभग समाप्त हो चुका था और वे सदा सदा के लिए गोलोक जाने ही वाले थे कि तभी उन्होंने अपने मित्र उद्धव से कहा, हे उद्धव, इस अवतार काल में मैंने सबको कुछ न कुछ दिया है, किंतु मात्र तुम ही ऐसे हो जिसने मुझसे कभी कुछ नहीं मांगा, बस सदा ही निस्वार्थ भाव से मेरी सेवा करते रहे, कभी सखा तो कभी सारथी बनकर। अरे अब तो कुछ मांगो, क्या तुम मुझे अपना ऋणी बनाना चाहते हो? लेकिन इतने पर भी वितराग उद्धव ने स्वयं के लिए कुछ नहीं मांगा, वे तो बस केवल अपने मन की उन शंकाओं का समाधान चाहते थे जो उनके मन में माधव की शिक्षाओं और उनके व्यक्तित्व को देखकर उठी थी। उन्होंने उनसे पूछा, हे लीलाधर, मैं महाभारत के घटनाक्रम की अनेक बातें समझ नहीं पाया हूँ, क्योंकि उसमें आपके उपदेश कुछ अलग रहे हैं, किंतु आपका व्यक्तिगत जीवन उस सब से पूर्णता भिन्न रहा है, बस यही कुछ आज मैं आपसे जानना चाहता हूँ। उसके बाद मित्रों, जो कुछ भी उद्धव ने माधव से पूछा था वो वाकई में हैरान कर देने वाला था। वैसे आपको बता दें कि उद्धव और माधव के बीच जो संवाद हुआ था उसे आज हम उद्धव गीता के नाम से जानते हैं। तो आइए एक बार विस्तार से प्रकाश डालते हैं कि उन्होंने उनसे क्या पूछा था। नमस्कार और एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने वीडियो कलश यूट्यूब चैनल पर। उद्धव ने पूछना शुरू किया, हे वासुदेव, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि सच्चा मित्र कौन होता है? उन्होंने कहा, सच्चा मित्र वो होता है जो जरूरत पड़ने पर बिना मांगे ही अपने मित्र की मदद कर दे। इस पर उद्धव ने कहा, हम सभी जानते हैं कि आप पांडवों के आत्मीय मित्र थे, लेकिन आपने सच्चे मित्र की जो परिभाषा दी है, क्या आपको नहीं लगता कि आपने उस परिभाषा के अनुसार कार्य नहीं किया? और यदि किया होता तो धर्मराज युधिष्ठिर को उस दिन जुआ खेलने से रोक सकते थे, और यदि नहीं रोका तो कम से कम आप धर्मराज को जिता तो सकते थे, आप भाग्य को धर्मराज के पक्ष में मोड़ सकते थे, आप चाहते तो उन्हें तब भी रोक सकते थे जब वे अपना धन, राज्य और स्वयं को हार चुके थे। लेकिन हम सभी ने देखा कि आपने समय रहते कोई भी यथोचित प्रयास नहीं किया। उसके बाद जब उन्होंने अपने भाइयों को दाव पर लगाना शुरू किया, अरे तब तो आप सभा कक्ष में पहुंच सकते थे, लेकिन आपने वो भी नहीं किया। और तो और दुर्योधन ने जब पांडवों को अच्छी किस्मत वाला बताते हुए द्रौपदी को दाव पर लगाने के लिए प्रेरित किया और जीतने पर हारा हुआ सब कुछ वापस लौटाने का लालच दिया, अरे कम से कम तब तो आप हस्तक्षेप कर सकते थे। आपके लिए अपनी दिव्य शक्तियों से उन पासों को धर्मराज के अनुकूल करना कौन सी बड़ी बात थी? मैं ये नहीं कहता कि आपने उनकी सहायता नहीं की, लेकिन सहायता भी तब की जब द्रौपदी की इतनी बेइज्जती हो चुकी थी। सब कहते हैं कि आपने वस्त्र देकर द्रौपदी का शील बचा लिया, लेकिन वो भी तब जब इतने सारे लोगों के बीच उसे निर्वस्त्र करने का प्रयास किया जा रहा था। क्या वास्तव में इसे शील बचाना कहते हैं? अगर आपने संकट के समय में अपनों की मदद नहीं की तो आखिर कोई कैसे आपको आपदा बांधव कह सकता है? क्या यही धर्म है? क्या यही सच्चे मित्र की परिभाषा है? इन प्रश्नों को पूछते हुए उद्धव का गला रुंध गया और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। यदि देखा जाए मित्रों, तो ये प्रश्न केवल उद्धव के ही नहीं अपितु महाभारत पढ़ते समय हम सभी के मन में उठते हैं। निष्कर्षतः उद्धव ने हम सभी के लिए ही तो प्रश्न पूछे थे। हमेशा की तरह इस बार भी गोविंद अपने निश्चल मुस्कान के साथ बोले, प्रिय उद्धव, ये सृष्टि का नियम है कि हमेशा विवेकवान ही जीतता है। उस समय दुर्योधन के पास विवेक था जबकि धर्मराज के पास नहीं, और यही धर्मराज के पराजय का मुख्य कारण भी रहा। और रही बात दुर्योधन की,
तो सुनो, उसके पास जुआ खेलने के लिए धन और सामर्थ्य तो बहुत था, किंतु उसे पांचों का खेल नहीं आता था। इसलिए उसने अपने मामा शकुनी का द्यूत कीड़ा के लिए उपयोग किया, जो कि सर्वथा उचित भी था, और इसे ही विवेक कहते हैं। मित्र, यदि धर्मराज चाहते तो वे भी इसी प्रकार से सोच सकते थे और स्वयं की ओर से मुझे प्रस्तुत करते, फिर मैं उनकी इस पेशकश को सहर से ही स्वीकार करता और उनकी ओर से पांचों का ये खेल खेलता। अब तनिक विचार करो मित्र, यदि शकुनी और मैं स्वयं खेलता तो हम में से कौन जीतता? पांचे उसकी बात सुनते या मेरी? उनके अंक उसके अनुसार आते या मेरे? चलो इस बात को जाने दो, उन्होंने मुझे खेल में शामिल नहीं किया तो ना सही, ये कोई बहुत बड़ी भूल नहीं थी, लेकिन उन्होंने विवेक शून्यता से एक और बड़ी गलती की। उन्होंने मुझसे प्रार्थना की कि मैं तब तक सभा कक्ष में ना जाऊं जब तक कि मुझे बुलाया ना जाए, क्योंकि वे अपने दुर्भाग्य का खेल मुझसे छुपाकर खेलना चाहते थे। वे नहीं चाहते थे कि मुझे मालूम पड़े कि वे जुआ खेल रहे हैं, और इस प्रकार ही उन्होंने मुझे अपनी प्रार्थना से बांध दिया था। यदि संक्षिप्त में कहें तो मुझे सभा कक्ष में जाने की अनुमति नहीं थी, किंतु इसके बाद भी मैं कक्ष के बाहर प्रतीक्षा करता रहा कि कभी तो कोई मुझे बुलाए। अरे धर्मराज तो ठीक है, और तो और भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव भी मुझे भूल गए और केवल अपने भाग्य और दुर्योधन को कोसते रहे। अपने भाई के आदेश पर जब दुशासन द्रौपदी के बाल पकड़कर घसीटता हुआ उसे सभा कक्ष में लाया, तब वो भी अपने सामर्थ्य के अनुसार जूझती रही, किंतु तब भी उसने मुझे नहीं पुकारा। उसकी बुद्धि तो तब जागृत हुई जब दुशासन ने उसे निर्वस्त्र करना प्रारंभ कर दिया था। तब जाकर उसने स्वयं पर निर्भरता छोड़ी और हरी हरी अभ्यम कृष्णम अभ्यम की गुहार लगाई। तब कहीं जाकर मुझे उसके शील की रक्षा का अवसर मिला, लेकिन जैसे ही मुझे पुकारा गया मैं अविलंब ही वहां पहुंच गया और तत्क्षण ही उसकी सहायता की। अब तुम ही बताओ उद्धव, ऐसी विकट परिस्थिति में भला मैं क्या कर सकता था? इस सब में मेरी क्या गलती थी? लेकिन इतने पर भी उद्धव कहां मानने वाले थे। ऐसा लग रहा था कि आज अपने प्रभु की परीक्षा ही ले रहे हैं। वे कहते हैं कि हे कान्हा, इसका अर्थ तो ये हुआ कि आप तभी आओगे जब आपको बुलाया जाएगा। क्या आप बिना बुलाए नहीं आ सकते हैं? इस पर देवकी नंदन कहते हैं कि हे उद्धव, इस सृष्टि में हर एक का जीवन उसके स्वयं के कर्म फलों के आधार पर ही संचालित होता है। ना तो मैं इसे चलाता हूँ और ना ही इसमें कोई हस्तक्षेप करता हूँ। मैं तो बस साक्षी मात्र हूँ और सदैव तुम्हारे नजदीक रहकर जो कुछ भी घटित हो रहा है उसे देखता रहता हूँ, और यही एक ईश्वर का धर्म भी है। वाह प्रभु वाह, तो इसका अर्थ यह है कि आप हमारे नजदीक खड़े रहेंगे और हमारे सभी दुष्कर्मों को देखते रहेंगे। हम भले ही पाप पे पाप करते रहें, किंतु आप सिर्फ देखते रहेंगे। क्या आप यही चाहते हैं कि हम भूल करते रहें और सदैव उन पापों का फल भुगतते रहें? इस पर मुरलीधर कहते हैं कि हे उद्धव, तुम शब्दों के अर्थ को गहराई से समझो। जब तुम सही से समझकर यह अनुभव कर लोगे कि मैं तुम्हारे नजदीक साक्षी रूप में हर पल तुम्हारे पास हूँ, तो क्या तुम तब भी कोई पाप कर सकोगे? क्या तुम्हें लगता है कि तब भी तुम कुछ गलत या बुरा कर सकोगे? निश्चित रूप से नहीं कर सकोगे, क्योंकि कोई भी भूल तुम तब ही करते हो जब तुम ये भूल जाते हो कि मैं तुम्हारे पास हूँ, और ये समझने लगते हो कि तुम मुझसे छुपाकर कुछ भी कर सकते हो। बस तब ही तुम मुसीबत में फंस जाते हो। यदि धर्मराज की बात करें तो उनकी अज्ञानता ये थी कि वे ये मानकर बैठ गए थे कि वे मेरी आज्ञा के बिना जुआ खेल सकते हैं। अगर उन्होंने ये समझ लिया होता कि मैं प्रत्येक के साथ हूँ और हर पल हर घड़ी साक्षी रूप में वहाँ पर उपस्थित हूँ, तो उस खेल में जो हुआ क्या उसके परिणाम कुछ और नहीं हो सकते थे? इतना सुनकर उद्धव मंत्रमुग्ध हो गए। वे बोले, हे प्रभु, कितना गहरा दर्शन है, यह सत्य कितना महान है,
प्रार्थना और पूजा पाठ से ईश्वर को मदद के लिए बुलाना तो महज हमारी भावना और विश्वास है, किंतु जैसे ही हम ये विश्वास करना शुरू कर देते हैं कि उसके बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता है, बस तभी हमें उसके साक्षी रूप के अर्थात उसकी उपस्थिति महसूस होने लगती है। बस भूल तभी होती है जब हम सभी धर्मराज युधिष्ठिर की तरह ये बात भूलकर दुनियादारी में डूब जाते हैं। संपूर्ण मद भागवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को इसी जीवन दर्शन का ज्ञान दिया था। सारथी का अर्थ है मार्गदर्शक। अर्जुन के लिए सारथी बने श्री कृष्ण वस्तुतः उनके मार्गदर्शक ही थे। वो स्वयं की सामर्थ्यता से युद्ध नहीं कर पा रहा था, लेकिन जैसे ही उसे उनके परम साक्षी रूप का आभास हुआ, तत्क्षण ही वो ईश्वर की चेतना में विलय हो गया। ये अनुभूति थी शुद्ध प्रेममयी आनंदित ब्रह्म चेतना की। इसी के साथ मित्रों, हमारी ये कथा भी यहीं समाप्त होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की जानकारी जरूर अच्छी लगी होगी। यदि आप भी इस विषय में कुछ एक सकारात्मक विचार रखते हैं तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। देखते रहिए वीडियो कलश यूट्यूब चैनल। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।